आज की इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो वैकेंसी 4016 पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर होने वाली है, वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहिएगा। और जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स यूपी में सामने आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए यूपी में जो योगी आदित्यनाथ है सीएम, वहाँ के हाई लेवल्स की मीटिंग्स पर बैठाया और जिसमें जो भी विभाग्स में सीटें खाली है उस पर तुरंत रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जो अधियाचना है आयोग को भेजा जाना है। तो इससे रिलेटेड भी ऑफिशियल नोटिस अपडेट में आपको आगे बताने वाला, वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनसे कि आने वाले सभी जॉब्स वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे केकेएस इंडियन तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सएप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ डिटेल्स में आपको एक एक करके बताते हैं। देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपी, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी का उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आज के डेट में यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आउट की गई, अपडेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है 7/6/2024 के डेट में। यहाँ पर 8/2024 जो एडवर्टाइजमेंट आई थी जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड, उसकी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही ऑफिशियल नोटिस आउट की गई, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से 7 जून 2024 के डेट में ये शुद्धि पत्र यहाँ पर कोरिगंडम नोटिस यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें कि यहां पर मेंशन है 4016 पोस्ट के लिए जो जूनियर इंजीनियर अवर अभियंता सिविल के पोस्ट पे जो यहां पर वैकेंसी निकली है, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसमें फॉर्म फिल कर दिए थे तो उनके लिए अच्छी बात है। यहां पर जो इसकी लास्ट डेट थी 7/6/2024 तक यहां पर दिया गया था लास्ट डेट सबमिट करने का, और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि और जो संशोधन की अंतिम तिथि वो है 14/6/2024 यहां पर निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी जो है यहां पर आयोग इसको एक्सटेंड कर रही है, आयोग द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि को 28/6/2024 तक अभी एक्सटेंड यहां पर किया जा रहा है, और जो भी करेक्शन वगैरह करना है या फी जमा करने का ये 5 जुलाई 2024 तक आप अपना यहां पर करेक्शन कर पाओगे फॉर्म में, और जो भी फी जो है जमा कर पाएंगे। विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है, उक्त विज्ञापन की इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, विज्ञापन के अन्य समस्त नियम जो भी शर्तें हैं वही रहेगी जो विज्ञापन संख्या 8/2024 में उल्लेखित है। तो अभी जो है यहाँ पर इसकी डेट एक्सटेंड करके यहाँ पर कर दिया गया है, आप लोग 28 जून 2024 तक अभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो, और इसमें 5/7/2024 तक करेक्शन कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 4016 है, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के पोस्ट पर अभी ये वैकेंसी निकली है यूपी ट्रिपल एससी यूपी में, जो कि एक बम्पर वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा यूपी में आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी वैकेंसीज आ सकती है, क्योंकि जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर जो है देख सकते हैं यूपी में जो योगी आदित्यनाथ है ये हाई लेवल की मीटिंग्स यहाँ पर की है, जिसमें कि जिन भी विभाग में नियुक्तियाँ की जानी है वहाँ से तत्काल अधियाचना चयन आयोग को भेजा जाए, जो भी आयोग से जिनकी जो भी वैकेंसी को कंप्लीट करवाते हैं रिक्रूटमेंट, तो उनको जो भी खाली सीटें हैं उनकी नियुक्तियाँ उसकी जो अधियाचना है चयन आयोग को भेजा जाए, और चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल्स की मीटिंग्स में ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है कल के डेट में। तो आने वाले दिनों में और भी जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज खाली है उसके लिए भी वैकेंसी निकलेंगी, और उसको भी समय सीमा के तहत यहाँ पर भरा जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी की भी जो भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम्स वगैरह होंगी तो आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में और भी अगर कोई अपडेट आती है वैकेंसी जाती है तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा, उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। और टेलीग्राम पर आपको ये नोटिस पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी तो वहाँ से आप ज्वाइन होकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर अभी टोटल जो पोस्ट है 4016 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन अभी आउट की गई, जिसमें कि ओनली जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। अगर आप जूनियर इंजीनियर के एस्पायरेंट्स हैं तो जरूर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 4016 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट की गई। ये जो नोटिफिकेशन थी पहले आउट की थी आपको 2847 पदों पर, जिसमें कि आपको 5-7 दिनों के बाद इसमें संशोधन करके इसमें और पोस्ट को इंक्रीज करके टोटल 4016 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया था। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे इसको अप्लाई करना है, आगे मैं आपको सभी कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इसके करते हैं कि इसके लिए क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी जो भी पोस्ट है इनमें
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि अवर अभियंता सिविल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की शैक्षणिक अर्हता रखता हो, चाहे कहीं से भी किए हैं। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट में ही उत्तर प्रदेश का यहाँ पर रूल जो है वहाँ से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बाद बाकी ये सभी पोस्ट जो है इसमें आप कहीं से भी डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश का ये सभी मेंशन नहीं है। अगर आप किसी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी किए हैं डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसमें भी आपको यहाँ पर दिया गया कि अवर अभियंता सिविल के पद के लिए कि यहाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से अगर आप यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं। और में करके या में करके दिया गया है यहाँ पर दूसरा भी क्वालिफिकेशन जो कि है उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद से अगर आप किए हैं डिप्लोमा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा में है कि अखिल भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद AICT जो है इसमें अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है यहाँ पर अलग अलग जो भी पोस्ट है इनके लिए 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 40 यहाँ पर दिया गया है। तो 18 से लेकर के 40 के बीच में आपका एज है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उसके लिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से जो आरक्षित श्रेणी है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उसके इसमें आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट यहाँ पर दिया जाएगा जो अधिक लाभकारी होगा, अनुमान्य होगा। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं अदर देन उत्तर प्रदेश तो आप UR कैटेगरी में आएंगे, आपको UR कैटेगरी के थ्रू आपको इसमें फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद जो भी यहाँ पर एक सर्विस मैन और सब दिया गया तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट काम किए होंगे उत्तर प्रदेश में तो उनको यहाँ पर छूट कुछ दिया जाएगा। बात करते हैं कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने होंगे, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर ₹25 यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी ₹25, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए भी ₹25 और अनुसूचित जनजाति के लिए भी ₹25, यहाँ पर आपको सभी कैंडिडेट के लिए ₹25 ओनली आपको ये एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर पे करना होगा। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दिया गया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो विज्ञापन संख्या 8/2024 है ये अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल या सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के 2819 पद सामान्य चयन व अवर अभियंता सिविल के 28 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 2847 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेंशन है कि अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो PET है 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET जो है UP SSSC की जो PET 2023 है वो अगर आप वहां पर दिए होंगे तो जो भी कैंडिडेट जो PET एग्जाम्स दिए हैं वही लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, सम्मिलित हुए हैं और एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जो भी है जारी किया गया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET के वास्तविक जो भी नॉर्मलाइज स्कोर है उनमें आपके उसके आधार पर ही आपको इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करेंगे वो PET अगर आप दिए हैं 2023 की UP SSSC की PET तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे और जो भी UP SSSC में PET में जो भी आपका मार्क आया है उसके आधार पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा और जो भी कैंडिडेट उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए फिर से आपका एग्जाम्स होगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका फिर से एग्जाम्स होगा, वो एग्जाम्स अगर आप पास करोगे तब आपका इसमें सिलेक्शन होने वाली है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो UP SSSC की PET एग्जाम्स में अपीयर नहीं हुए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं या एग्जाम्स नहीं दिए हैं या आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। जो भी UP SSSC की एग्जाम्स PET का एग्जाम्स जो दिए हैं क्वालिफाई किए हैं वो लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे और उनके जो भी मार्क आया है PET में उसके आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट जो भी कैंडिडेट होंगे उनका फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा और उन लोगों को जो मुख्य परीक्षा है ये इनका JEE का ये मुख्य परीक्षा में आप पास करोगे तब आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन इसमें होगा। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, आई होप आप इसको समझे होंगे। और भी इसमें जो भी इनकी सिलेबस है मुख्य परीक्षा की वो सभी कुछ यहाँ पर दिया गया है तो ये टेलीग्राम पर मैं आपको डाल दूंगा ये जो PDF है। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया या टेलीग्राम पर सर्च करोगे KKS Indian तो भी मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर के जरूर से रहिएगा, वहाँ पर आपको सभी अपडेट नोटिस PDF मिलती रहती है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो
वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कम्प्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडिया तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडिया तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे KKS इंडिया तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सअप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सअप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं।